नमस्कार, आपका स्वागत है आरडीपीएस ऑनलाइन पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन न्यू फाइंड आउट जीके बुक पेज नंबर 26 आई लव माय इंडिया, पेज नंबर 27 द क्लोथ्स वी वेयर, पेज नंबर 30 आवर फेस्टिवल्स, पेज नंबर 31 प्लेसेस ऑफ प्रेयर, एंड आल्सो वी विल राइट इन जीके रिटन कॉपी पेज नंबर 14 एंड 15 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो आपको माटी ऐप के ऑन डिमांड में दिया हुआ है। Let's get started. For that, we are using new find out GK book page number 26. I love my India. I love my India का मतलब होता है मुझे अपने देश से प्यार है। India जो है वो मेरा देश है, country. India is the name of my country. जहाँ पर हम देखेंगे, let us see how much you know about your country. आपको अपनी country के बारे में कितना पता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। वन, द नेम ऑफ माई कंट्री इज डैश। मेरी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। टू, द नेम ऑफ माई सिटी और टाउन इज डैश। मेरे सिटी यानी शहर का नाम क्या है? तो आप जहां रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसका नाम लिखेंगे, तो नीमच। थ्री, द नेम ऑफ माई स्टेट इज, मेरे राज्य क्या नाम है, यानी नीमच सिटी किस राज्य के अंदर, किस स्टेट के अंदर आती है, वो लिखेंगे। तो नीमच जो आता है वो किस में आता है? मध्य प्रदेश। फोर, द कलर्स ऑन आवर नेशनल फ्लैग्स आर, हमारे नेशनल फ्लैग पर जो हमारा राष्ट्र का झंडा है उसपे कौन कौन से कलर्स हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला ऑरेंज जिसको बोलते हैं सैफ्रन, दूसरा व्हाइट और तीसरा ग्रीन। सैफ्रन, व्हाइट, ग्रीन। फाइव, Our national bird is the dash. हमारा राष्ट्र पक्षी, national bird कौन सा है? तो peacock. Six, our national animal is the dash. हमारा national animal यानी राष्ट्र जानवर कौन सा है? तो tiger, जिसको हम बोलते हैं royal bengal tiger. सेवन, आवर नेशनल फ्लावर इज द डैश, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो लोटस। एट, आवर नेशनल एंथम इज, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जनगणमन। यहाँ पर जो फोटोज दिए हैं, ये तिरंगा आवर नेशनल फ्लैग, पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर आवर नेशनल एनिमल, लोटस आवर नेशनल फ्लावर, एंड ही इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो अभी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। डिड यू नो In 2017, रामनाथ कोविंद बिकेम द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है 2017 में मिस्टर रामनाथ कोविंद हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ अवर कंट्री, हमारे राष्ट्र के हेड होते हैं, सबसे बड़े ऑथोराइज पर्सन होते हैं प्रेसिडेंट।
वो 2017 से अभी तक कौन है हमारे इन कंट्री के प्रेसिडेंट, मिस्टर रामनाथ कोविंद, और प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे कंट्री के, मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ योर स्टेट, यानी आपके राज्य के गवर्नर कौन है उनका नाम, द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, आपके स्टेट के आपके राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है वो। पेज नंबर 27, द क्लोथ्स वी वियर, हम जो कपड़े पहनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। पीपल इन इंडिया वेयर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं, जिसमें साड़ी, टी शर्ट, जैकेट, शॉर्ट, सलवार कमीज, बहुत सारी चीजें आती है। ए से वॉट ईच ऑफ दिस इज कॉल्ड, दिस इज एन ओरल एक्सरसाइज, यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से ये जो पिक्चर्स दिए हैं इसमें किसको क्या बोला जाता है। बी पॉइंट आउट विच ऑफ दिस क्लोथ्स आर वॉर्न बाय, आपको इसमें से ये भी बताना है कि यहाँ पर जो नेमिंग्स दिए हैं ये क्लोथ्स किसके द्वारा पहने जाते हैं। वन मैन ओनली, यानी इसमें से सिर्फ आदमी लोग, जेंट्स लोग क्या कौन से कपड़े पहनते हैं वो यहाँ लिखेंगे। टू वेमेन ओनली, सिर्फ औरतें कौन से कपड़े पहनती है, चिल्ड्रन बच्चे कौन से कपड़े पहनते हैं। पीपल इन विंटर, विंटर्स में यानी सर्दियों में कौन से कपड़े पहने जाते हैं। पीपल इन समर, गर्मियों में कौन से कपड़े पहने जाते हैं। और बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों आदमी और महिलाएं यानी लेडीज लोग पहनती हैं वो। सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी शर्ट। हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। टू यह है यूनिफॉर्म। थ्री साड़ी। फोर स्कर्ट। फाइव जैकेट। सिक्स शॉर्ट्स। सेवन धोती। ए स्वेटर। नाइन सलवार कमीज। अब हम यहां पर लिखेंगे कि मैन ओनली क्या पहनते हैं। फर्स्ट टी शर्ट, जैकेट, शॉर्ट्स। टू विमेन ओनली, ओनली विमेन क्या पहनती है, साड़ी, स्कर्ट, सलवार कमीज। थ्री चिल्ड्रन, बच्चे क्या पहनते हैं, तो चिल्ड्रन में दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाते हैं तो वो सारी चीजें पहनते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीजें जो है वो चिल्ड्रन्स कभी कभी पहनते हैं, लाइक साड़ी, धोती एंड सलवार कमीज, ये किसी फेस्टिवल्स में या किसी फंक्शन में पहना जाता है बच्चों के द्वारा, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल। फोर पीपल इन विंटर, विंटर यानी सर्दियों में क्या पहना जाता है, तो सर्दियों में हम पहनते हैं जैकेट, स्वेटर। फाइव पीपल इन समर, गर्मियों में हम क्या पहनते हैं, टी शर्ट, स्कर्ट, शॉर्ट्स। सिक्स बोथ मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन दोनों क्या पहनते हैं कॉमन, तो टी शर्ट, यूनिफॉर्म, जैकेट, शॉर्ट्स, स्वेटर। पेज नंबर 30,
आवर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? हमारे त्योहार। हम जो त्योहार मनाते हैं जैसे दिवाली, दशहरा, होली, जन्माष्टमी, ईद, क्रिसमस, ये सब हमारे क्या हैं? फेस्टिवल्स हैं। ए फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ फॉर प्रेयर, फन, फूड एंड फ्रेंड्स। राइट द नेम्स ऑफ दीज फेस्टिवल्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। टॉक अबाउट देम। फेस्टिवल जो है वो कौन सा टाइम होता है? फेस्टिवल्स पे हम क्या करते हैं? प्रेयर्स, यानी खूब सारी प्रार्थनाएं करते हैं। फन, बहुत मजा करते हैं। फूड, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। और फ्रेंड्स, यानी हमारे दोस्तों से मिलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ फेस्टिवल्स के पिक्चर्स दिए हैं जिनके नाम हमें इस बॉक्स में से चूज करके यहाँ पर लिखने हैं और इनके बारे में जानना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे क्या फोटो है। बच्चे यहाँ पे फटाके फोड़ रहे हैं, घरों पर लाइटें लगी है, दीपक जल रहे हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो होता है वो लाइटिंग का फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत सारी लाइटिंग्स होती है। इंडिया और दूसरी कंट्रीज में भी दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली जो है वो हिंदूज का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो साल में एक बार आता है। दिवाली पर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे घरों की क्लीनिंग करते हैं, दिवाली से पहले सफाई करते हैं। उसके बाद हम कपड़े खरीदते हैं नए पहनने के लिए, लाइटिंग्स करते हैं, क्रैकर्स यानी पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सेकंड, ईद। यहाँ पर आप देखिए कि ईद जो है वो मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है। यहाँ पर ये बना हुआ है मॉस्क, जैसे हिंदूज के मंदिर होते हैं ऐसे मुस्लिम्स के क्या होते हैं? मॉस्क, जहाँ पर वो नमाज पढ़ते हैं जाकर। ईद के दिन जो है मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं और मीठी मीठी सिवैयां बनती है। उस दिन सभी मिलकर सिवैयां खाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये फेस्टिवल है ईद। थ्री, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर कलर डाल रहे हैं। कलर्स का फेस्टिवल कौन सा होता है? होली। होली जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है, जिसमें हम एक दूसरे पर रंग डालकर, कलर डालकर मनाते हैं। यहाँ पर सभी एक दूसरे पर पिचकारियों से कलर डाल रहे हैं, गुलाल से कलर डाल रहे हैं और खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? होली। होली भी हिंदूज का एक फेस्टिवल होता है। फोर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन है? सेंटा क्लॉज। ये यहाँ पर अपनी पोटली में बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हुए हैं बच्चों के लिए। ये है क्रिसमस ट्री। यहाँ पर सेंटा क्लॉज जो है वो क्रिसमस मनाने के लिए बच्चों को गिफ्ट्स देने जा रहे हैं। क्रिसमस जो होता है वो क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पर क्रिसमस। ये सारे फेस्टिवल्स चाहे अलग अलग रिलीजियंस के हों, जैसे ये हिंदू, ये मुस्लिम्स, ये क्रिश्चियंस, लेकिन हम सभी लोग इन फेस्टिवल्स को मिलकर मनाते हैं और कोई भी इन फेस्टिवल्स को मना सकता है। बी, इन योर ओन फाइंड आउट बुक मेक अ लिस्ट ऑफ 5 फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर सिटीज एंड द डेट्स ऑन विच दे फॉल दिस ईयर। अब आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है, आप चाहें तो इसे बुक में यहाँ पर बना लें या कॉपी में बनाएं, जिसमें आपको ऐसे 5 फेस्टिवल्स का नाम लिखना है जो आपके सिटी में बनाए जा रहे हों, जो मनाते हैं सिटी के अंदर हम लोग, और वो इस साल कौन कौन सी डेट्स पे आने वाले हैं। पेज नंबर 31, प्लेसेस ऑफ प्रेयर। वो जगह है जहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करना, भगवान को याद करना। पीपल गो टू दीज प्लेसेस टू प्रे। वो जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं प्रेयर करने के लिए। नेम देम विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पर नीचे जो वर्ड्स दी हैं उनके द्वारा यहाँ पे इनको नेमिंग करना है, बताना है कि कौन सी जगह कौन सी है। ये है टेम्पल, जहाँ पर हिंदूज जाते हैं। टेम्पल में देवी देवता होते हैं, उनके
स्टैचूज होते हैं जहाँ पर हम जाकर प्रेयर्स करते हैं। सेकंड यह है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो होता है वो सिख लोगों का होता है, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं और यहाँ पर हम प्रेयर्स करते हैं। थ्री यह है मॉस्क। मॉस्क में नमाज पढ़ी जाती है जो कि मुस्लिम्स लोग करते हैं। फोर यह है चर्च। चर्च के अंदर जो है वो प्रेयर्स होती है, यहाँ पर यीशु मसीह होते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियंस लोग जाकर प्रेयर करते हैं। फाइंड आउट, अब आपको यहाँ पर पता करना है द नेम्स ऑफ सम टेम्पल्स मॉस्क एंड चर्चेस इन योर सिटी। आपकी सिटी में कौन कौन सी मॉस्क यानी उनके नाम, टेम्पल्स के नाम, मंदिरों के नाम और चर्च के नाम पता करने हैं जो आपकी सिटी में है। लिसन एंड टॉक। डू यू गो समवेयर टू प्रे? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। आप यहाँ पर आपको आप कहाँ पर प्रेयर करने के लिए जाते हैं इसके बारे में आपको अपनी मामा को बताना है। जैसे आप अगर टेम्पल्स में जाते हैं तो कौन से टेम्पल में जाते हैं उसके बारे में, आपने वहाँ क्या क्या देखा, और अगर आप मॉस्क में जाते हैं तो आपने वहाँ क्या देखा, कौन से मॉस्क में जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो कौन से चर्च में जाते हैं और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा है। नाउ वी आर यूजिंग GK रिटन कॉपी पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 12। Write the name of places of prayer. यहाँ हमें नाम लिखने हैं जहाँ हम प्रेयर करने जाते हैं। आंसर टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च। हम प्रेयर करने कहाँ जाते हैं? टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वेयर इज द रेड फोर्ट सिचुएटेड? रेड फोर्ट कहाँ है? आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? आंसर मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड? ताजमहल कहाँ है? आंसर आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज हावड़ा बीच सिचुएटेड? हावड़ा बीच कहाँ है? आंसर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन? हमारे राष्ट्रपिता कौन है? आंसर महात्मा गांधी। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comments, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.